हेलो एवरीवन, मैं कविता गुप्ता हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल नारियल की लीची। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये दूध और नारियल के साथ बनने वाली बहुत ही सिंपल मिठाई है और खाने में आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए आज मेरे साथ बनाते हैं नारियल की लीची। नारियल की लीची के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। दूध यहाँ मैंने पैकेट वाला लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर, और यहाँ पे लिया है मैंने कच्चा गोला जिसे हम नारियल कहते हैं। नारियल को मैंने इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लिया है। चीनी तकरीबन 200 ग्राम, खसखस जिसे पोस्तदाना भी कहते हैं 50 ग्राम, और खाने वाला लाल रंग। यहाँ पर हाई फ्लेम पर पैन को रख दिया है। अब इसमें मैं पूरा अपना 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। ये दूध अभी कच्चा है, इसमें पहले हम उबाल ले लेते हैं। इसको अच्छे से उबलने दीजिए। अब दूध में उबाल आने लगी है, ये दूध को अच्छे से उबलने दीजिए। फ्लेम को हाई रहने दें, दूध को अच्छे से उबलने देना है। दूध उबल रहा है, अब इस दूध में नारियल डालेंगे हम कसा हुआ। दूध और नारियल को हमें एक साथ पकाना है, इसलिए हम यहाँ पर एक साथ ही पकाएंगे। इसको डालकर थोड़ा सा चलाते रहें, छोड़े नहीं, उबाल आ जाएगी उसके बाद भले ही छोड़ सकते हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहें, फ्लेम को मीडियम लो रहने दें। और दूध जो साइड से जो मलाई आ गई है उसको भी निकाल कर बीच में करते जाएं। इसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम चीनी डालेंगे। अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने यहाँ पर 200 ग्राम यूज़ की है। चीनी डाल के अच्छे से मिला लें इसे। अब ये चीनी, नारियल, दूध तीनों एक साथ पकेंगे, तभी तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत से लोग तो इसे नारियल के बुरादे से भी बनाते हैं, पर लेकिन कच्चे नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दूध के साथ में, इसलिए मैं इसको कच्चे नारियल को दूध के साथ पका रही हूँ। अब मैं अपनी लीची के लिए उसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर खसखस को मैंने मीडियम लो फ्लेम पर भून रही हूँ। फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते रहें। इसमें से एक हल्की सी खुशबू आने लगेगी, बस हमें वहीं तक भूनना है। अब यहाँ पर हमारी खसखस भुन गई है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी चीनी 1/4 चम्मच। अब इन दोनों को एक साथ भूनें, जिससे खसखस पे थोड़ी सी अच्छी सी चमकदार लेयर आ जाएगी। अब हम कलर को थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करें, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा तीनों का मिक्सचर। अब इसे अभी और थोड़ा सा भून लें, जिससे कि इसकी नमी सूख जाए और ये एकदम से खिली खिली हो जाए। तक हमारी कोटिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम अपने दूध और नारियल को देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है ना। अभी ये आधा रह गया है। अब हम खसखस की कोटिंग को प्लेट में निकाल लेते हैं और अपने हाथ से कुछ, उसमें अगर मान लो गुठली रह गई होंगी तो उनको हाथ से मसल लेते हैं और इसका अच्छा सा इसको बिछा देते हैं प्लेट में। देखिए अब ये दूध और नारियल का हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। दूध का तो बिल्कुल खोआ बन गया है, नारियल का पानी भी सूख चुका है। बस इसे अब 2-3 मिनट और हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसे और भुनने दें अभी, फिर इसे हम ठंडा होने रख देंगे। ठंडा करके इसे हम एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, जिससे ये क्या थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा लीची बनाने के लिए। सारे मिश्रण को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। मिश्रण को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाएगा, उससे हमारी लीची बहुत अच्छी बनेगी। अभी हमारा मिश्रण ग्राइंड हो गया है, अब इससे हम लीची बनाएंगे। मैं इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर 6 इलायची ली हैं, इसे मैंने दरदरा पीस लिया था। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि इलायची पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लेकर
हाथों से देखिए इस तरीके से उसे राउंड शेप में गोल करेंगे और फिर इसे लीची की शेप देंगे। फिर इसे हम अपनी कोटिंग में, जो हमने खसखस की कोटिंग बनाई है ना, देखिए उसमें अच्छे से कोट करेंगे। फिर उसमें नीचे टूथपिक लगाइए और उसमें अच्छे से कोट कर दें उसे। फिर उसे एक प्लेट में रखते जाएं। यहाँ पर अपनी सारी लीची तैयार कर ली है, देखिए लग रही है ना बिल्कुल लीची जैसी, बहुत सुंदर, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगी। को मेरी आज की ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।